Hi guys, I welcome you all once again on Insider's YouTube channel. I'm vishali and today's video is dedicated to sports. Sports is a very important section here when it comes to the FCAR examination because you see directly questions coming up specifically from static areas in this examination. So let us begin with it without wasting any more time. We will first begin with games like Asian Games, Commonwealth Games, Olympics, and then we will move forward to cricket, lawn tennis, etc. Okay? First, Asian Games. They are hosted in every four years. Okay? They are also known as Asiad. Okay. And first time kahan host First time host with that was in 1951, and it was hosted in India, New Delhi. Or ye tabhi start with a first time. Okay. एशियन गेम स्टार्ट ही 1951 में हुए थे फर्स्ट एडिशन ही इंडिया में हुआ था ठीक है ड्यूरिंग दिस टाइम द मोटो ऑफ द गेम दैट गिवन मोटो एवर ऑनवर्ड एंड दिस गिवन बाय आर मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड इवेंट वॉज अनवेल्ड मतलब ये जो स्टार्ट किया गया था बाय देन दे राजेंद्र प्रसाद याद रखना है ठीक है मेडल टैली की बात करें इस पर्टिकुलर गेम में इंडिया जो है सेकेंड रैंक पे आया था और ये आज तक की इंडिया की हाईएस्ट रैंक रही है एशियन गेम्स में और 1951 में फर्स्ट जो रैंक पे रहा था दैट वाज जापान ओके एशियन गेम्स जो हैं टिल 1978 होस्ट किए जाते थे बाय एशियन गेम फेडरेशन लेकिन 1978 ऑनवर्ड्स प्लान किया गया कि जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है वो इस गेम को होस्ट करेगी ठीक है सो 1982 ऑनवर्ड्स ये गेम्स जो है ये होस्ट किए जाने लगे बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और ये वाला जो गेम था दिस वाज आल्सो होस्टेड बाय इंडिया सो आज तक इंडिया दो बार एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है दैट इज इन 1951 और 1982 याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ठीक है टू टाइम्स ही है तो इसलिए याद रखना ठीक है देन आती है बात कि टोटल नेशंस कितने नेशंस इसमें 45 फाइव जो एशियन गेम्स खेलते हैं इजराइल जो था वो एक्सक्लूड किया गया था 1974 में ठीक है टॉक मद दिस दिस इज जस्ट द फर्स्ट पिक्चर जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था न्यू डेली में uh, मतलब इट वॉज द फर्स्ट एडिशन नाइनटीन का जस्ट फ्यू पिक्चर्स रिगार्डिंग इट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टाइम दैट इज 2022 में ये एक्चुअली होस्ट होना था लेकिन अब ये शिफ्ट होके इस साल सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में होस्ट होने वाला है कहाँ हॉगजू चाइना के अंदर चाइना जो है तीसरी बार होस्ट करने वाला है इससे पहले नाइनटीन में बीजिंग में हुआ था होस्ट एंड 2010 में कहा हुआ था गुआंगजू में हुआ था ठीक है नेक्स्ट थिंग इज प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज तक कौन सी ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है एशियन गेम्स को सो so, एशियन गेम्स को सबसे ज्यादा आज तक बैंकॉक ने होस्ट किया है बैंकॉक जो है कहाँ पर है थाईलैंड में है ठीक है कितनी बार कर चुका है आप मुझे बताएंगे जल्दी से आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा चलो मैं जल्दी से बताती हूँ चार बार 1966, 70, 78 और 98 में ठीक है चार बार एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है अब आती है बात साउथ कोरिया साउथ कोरिया अपने आप में तीन बार ये गेम होस्ट कर चुका है ठीक है नेक्स्ट थिंग दैट इज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा कौन जीता है सो so, आज तक कॉन्जिक्यूटिवली टेन टाइम्स चाइना जीत चुका है नाइन्थ एडिशन से लेकर अभी तक जीतता आया है एंड टॉकिंग अबाउट जापान जापान जो है आठ बार कॉन्जिक्यूटिवली जीत चुका है ठीक है सो ऑफकोर्स चाइना जो है वो दस बार जीत चुका है आज तक और जापान जो है दैट इज टोटल एट टाइम्स ठीक है लेट्स सी नाइनटींथ जो अभी है इसमें कौन जीतता है ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम जो हांगजू में होने वाला है सो so, इसका जो मोटो है दैट इज हार्ट टू हार्ट ठीक है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर ओके टॉकिंग अबाउट द सो टोटल तीन है रोबोट्स जिनका नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट्स चेन चेन कॉन्ग ख्यान लियान और रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि हॉगजू में है ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट इंडियंस वेरी फेमस इंडियंस वेन इट कम्स टू

फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में दिस वाज स्पेसिफाइड ठीक है फर्स्ट इंडियन जिन्हें एशियन गेम्स में मिला है दैट इज कमलजीत संधु ठीक है और इन्हें मिला था कब 1970 में जो बैंकॉक में गेम्स हुए थे एंड शी इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स ठीक है और इन्होंने 400 मीटर की जो रेस है उसे फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री फाइव सेकंड में कंप्लीट किया ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला है फर्स्ट गोल्ड मेडल मतलब चाहे मेल कैटेगरी फीमेल यहां पे हमने क्या स्पेसिफाई किया फीमेल कैटेगरी मैं फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करू फ्रॉम इंडिया दिस वॉज गिवन टू सचिन नाग ठीक है एंड ही गोट इट फॉर स्विमिंग ठीक है कौन से ईयर में था ये आप जल्दी से मुझे बताएं कौन से ईयर में उन्हें मिला है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग देर इज वन इंडियन जो आज तक भी रिकॉर्ड होल्ड करती है जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था 2002 थाउजेंड एंड टू में एंड uh, ये जो रिकॉर्ड है दैट इज इन 1500 मीटर की जो उनका रन था ये इस्टैब्लिश किया था 2002 में नाम क्या है सुनीता रानी एंड दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो टॉकिंग मै द नेक्स्ट वन हाउ मेनी टाइम्स इंडिया जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मेन्स हॉकी में मैन इट कम्स टू एशियन गेम्स तो टू में ठीक है 1998 में और 1996 में तीन बार इचियॉन बैंकॉक बैंकॉक ठीक है ये में थे, ये दोनों बैंकॉक में थे यहां पे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ठीक है टॉकिंग अबाउट गोल्ड मेडल जो बॉक्सर द फर्स्ट बॉक्सर जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है दैट इज एम सी मेरी कॉम ठीक है इनको किस नाम से जाना जाता है मैग्निफिशन मैरी के नाम से भी जाना जाता है राइट right? ये सारी जो चीजें बता रही हूँ प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके उसके बाद कुछ इंडियनर्स जो बहुत फेमस है व्हेन इट कम्स टू एशियन गेम्स सो 1958 में इफ यू रिमेंबर ये टोक्यो में गेम्स हुए थे ठीक है यहां पर मिल्खा सिंह जो है ही वन टोटल टू गोल्ड मेडल ठीक है इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी बुलाया जाता है है ना किस-किस में ही वन द मेडल 200 मीटर वाली जो स्प्रिंट रेस थी और 400 मीटर वाली स्प्रिंट रेस इवन 1982 में पीटी उषा को भी मिला दो सिल्वर जो है मेडल इन्होंने जीते एंड इनको किस नाम से बुलाया जाता है पयोली एक्सप्रेस के नाम से ठीक है अच्छा ढींग एक्सप्रेस किसे बोलते हैं हु इज ढींग एक्सप्रेस ही दास नेक्स्ट आते हैं विनेश फोगाट ठीक है विनेश फोगाट कौन है ही इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर ध्यान देना इंडियन रेसलर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन कबड्डी की अगर हम बात करें हमने हर बार गोल्ड मेडल जीता है टिल डेट मैं कबड्डी में हमेशा गोल्ड मेडल सिर्फ एक बार नहीं मिला था वो एक बार आप मुझे जल्दी से मेंशन करो कब नहीं मिला था कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स देखो ये भी एक्जैक्टली exactly जैसे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स है चार साल में एक बार ही होते हैं ठीक है देन फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुए थे नाइनटीन में हुए थे कहां हुए थे कैनेडा में कैनेडा में भी कहा हेमिल्टन में ठीक है देन इसको पहले बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कॉमनवेल्थ इसका जो नाम है वो स्टार्ट हुआ है 1978 सेवनटी एट ऑनवर्ड्स ठीक है तब से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाने लगा उसके बाद जैसे आपने देखा होगा ना विंटर गेम्स ओलंपिक्स में होते हैं और समर वगैरह सो इन द सेम वे कॉमनवेल्थ so में भी स्टार्ट हुए थे विंटर गेम जो थे वो स्टार्ट हुए थे 1958 में और उसका लास्ट एडिशन हुआ था 1966 में सेम वे में पैराप्लेजिक गेम्स भी स्टार्ट हुए 1962 में हुए और 1974 में उसका लास्ट एडिशन था अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में ठीक है कब कब नहीं हुए हैं 1942, 1946 में होस्ट नहीं हुए हैं व्हाई बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर ओके वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए इंडिया ने कब होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम को 2010 में होस्ट किया था इंडिया ने ओके okay? टॉकिंग विद प्रीवियस होस्ट टू थाउजेंड में होस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 2022 में बिरमिंगम इंग्लैंड में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो 26 में ये गेम कहां होस्ट होने वाले हैं सो ऑस्ट्रेलिया जो है आज तक टोटल छह बार होस्ट कर चुका है दिस इज द मैक्सिमम टाइम एनी कंट्री हैज होस्टेड ठीक है सो इफ क्वेश्चन कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हु हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स द आंसर फॉर द सेम विल बी ऑस्ट्रेलिया फाइव टाइम्स एंड टू योर न्यूज 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करने वाला है तो छह बार हो जाएगा सो दैट्स अ बिग बिग थिंग इस बार जो है विक्टोरिया होस्ट करेगा विक्टोरिया विल बी द सिटी जहां पे होस्ट होने वाले हैं आपके 26 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ठीक है कौन सी सिटी है जिसने एक से ज्यादा बार होस्ट किए हैं सो ऑकलैंड दो बार कर चुका है और एडनबर्ग कर चुका है ठीक है ईयर्स याद करने जरूरी नहीं है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ओके और 22 में एज यू गाइज नो बिरमिंगम ने होस्ट किया था क्यों किया था बिकॉज दर्बन जो था इट विद्रू दैट आई विल नॉट बी एबल टू होस्ट इट ओके टॉकउ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो गेम्स हुए थे इंग्लैंड जो है इसने थर्ड टाइम होस्ट किया था ये ओके okay? इससे पहले नाइनटीन थर्टी फोर में लंडन में होस्ट हो चुका है और टू थाउजेंड टू में मैनचेस्टर में हो चुका है ठीक है मेडल्स की अगर बात करते हैं टोटल इंडिया ने सिक्सटी वन मेडल्स जीते हैं गोल्ड और ट्वेंटी टू एंड जिन्होंने गोल्ड जीते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रॉ इंग्लैंड सेकेंड रनेडा रहा है थर्ड सो so, इसके हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रही फोर्थ ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गोल्ड मेडल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दे आस्क ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी न्यूज़ में रहा है अभी रिसेंटली ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है सो so, मीराबाई चानू जो है उन्होंने अभी रिसेंटली क्या जीता कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता नॉट ओनली हर इसके अलावा जो जेरिमी uh, लाल रुंगिया हैं एंड अचिंता शॉली इन्होंने भी जीता है ठीक है सो दे कैन आस्क कि मीराबाई चानू कौन से गेम से एसोसिएटेड है नेक्स्ट जो है दैट इज पैरा पावर लिफ्टिंग इसमें किसने जीता है सो द पर्सन नेम इज़ सुधीर एंड ही हैज वन इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है रेस्लिंग ठीक है रेस्लिंग में तो यार बहुत सारे मेडल्स आए हैं पहले मैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम्स है ना उनका बताती हूँ बजरंग पूनिया फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है फिर रवि दहिया हमने काफ़ी बार सुना है उसके बाद विनेश फोगाट हम लोगों ने बहुत बार सुना है जो हमने ज़्यादा नाम आज तक नहीं सुने और उभरते हुए टैलेंट है द फर्स्ट वन इज़ नवीन कुमार ठीक है एंड उसके बाद बबीना पटेल ठीक है इन सब ने क्या जीता इन्होंने जीते गोल्ड मेडल पांच आए हमारे पास उसके बाद नॉट ओनली दिस बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया अमित पंघाल वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेम है ना अमित पंघाल फिर नीतू घनघस और इसके साथ साथ निखत जरीन ओके इसके अलावा बैडमिंटन में भी हमें मेडल मिला है दैट इज पीवी सिंधु ठीक है एंड लक्ष्य सेम ठीक है डबल्स uh, में भी मिला है लेकिन ठीक है दैट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीटी जो है उसमें शरत कमल उनको मिला है नॉट ओनली दिस एथलेटिक्स जो है उसमें भी मिला है किसको मिला है एल्डोज पॉल को ठीक है याद रखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉल है ये ठीक है सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो 2022 में गेम्स हुए यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा यार आदत है एशियन गेम्स या फिर अगर कॉमनवेल्थ गेम्स पिछले एक दो साल में, में वहां से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ठीक है सो so, जो मोटो रहा था गेम्स फॉर एवरी वन कौन सा स्पोर्ट इंक्लूड नहीं हुआ था कौन सा स्पोर्ट है ये शूटिंग ठीक है शूटिंग वॉज नॉट इंक्लूडेड कौन सा गेम जो है वो इंक्लूड किया गया था सो so, विमेन क्रिकेट इंक्लूड किया गया है टी ट्वेंटी टूर्नामेंट इंक्लूड हुआ इस बार इन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो मैस्केट की बात करें मैस्केट क्या रहा है पेरी रहा है ठीक है देन यहाँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज ए बार जस्ट देख लेना ये बहुत जरूरी है इंडियन फ्लैग बेर जो है मनप्रीत सिंह पीवी वी सिंधु कौन से गेम से एसोसिएटेड है अभी अभी बताया निखित जरीन किससे एसोसिएटेड है शरद अचंता किस चीज से एसोसिएटेड है नेक्स्ट गेम का होने वाले ट्वेंटी सिक्स में सिक्स टाइम इन ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होस्ट होंगे ठीक है कॉमनवेल्थ गेम जो है इन इट सेल्फ इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट ठीक है इसमें ऑलमोस्ट फिफ्टी थ्री नेशन जो हैं वो पार्ट लेते हैं और इन फिफ्टी थ्री नेशन में सेवेंटी वन टीम्स क्यों टीम्स इसलिए ज्यादा बिकॉज वेल्स एसेट्रा यू नो ना बहुत सारी इनकी टीम्स बन जाती है अलग अलग सो so, इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें कॉमनवेल्थ में कुछ चीजें हैं फर्स्ट टाइम इंडिया जो है उसने कब पार्टिसिपेट किया था नाइनटीन में किया था पार्टिसिपेट चार बार नहीं भी किया नाइनटीन में नाइनटीन में 1962 में और 1986 में चार बार नहीं भी पार्टिसिपेट किया इंडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ को होस्ट किया और सेकंड रैंक पाई इस बार क्या रही है अभी अभी बताया था फोर्थ रैंक रही है ठीक है फर्स्ट जो मेडल है किसको मिला था राशिद अनवर को मिला था और ये था कौन सा ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल नहीं है अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो किसको मिला है सो फर्स्ट गोल्ड मेडल वॉज टू मिल्खा सिंह इन 1958 याद रहेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें कमिंग टू द नेक्स्ट वन ओलंपिक्स ये भी हर चार साल में एक बार आ, होस्ट किए जाते हैं टोटल फाइव रिंग्स जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं पांच कॉन्टिनेंट्स को और उसकी यूनिटी को ठीक है इन रिंग्स के कलर बहुत ज़रूरी हैं अन कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है जैसे ब्लू यूरोप को करता है ब्लैक अफ्रीका को रेड अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया को और एशिया को इसके साथ साथ कौन सा कलर किसके साथ है राइट लेफ्ट में कौन सा है वो भी आपको याद रखना है ठीक है ये जो ओलंपिक रिंग है ये अडॉप्ट कब की गई थी 1914 में और एक ओलंपिक मोटो जो था दैट वाज इन 1924 अडॉप्ट किया गया था इसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर टुगेदर जो वर्ड है वो 2022 में ऐड किया गया था तो सिटीएस एल्टीएस फोर्टीएस कम्यूटियर ओके फास्टर हाइयर स्ट्रोंगर टुगेदर याद रहेगा मूविंग ऑन टू द फ्लेम फ्लेम जो है ये अडॉप्ट की गई थी एज अ सिंबल 1928 का जो ओलंपिक गेम था दैट वाज इन एम्स्टरडेम ठीक है एम्स्टरडैम में जो होस्ट किया गया था वहां से फ्लेम जो है दैट बिकेम अ पार्ट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टॉर्च टॉर्च जो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1936 में और ये जो है इट इज एक्चुअली अ मॉडर्न वर्जन ऑफ ऑफ दिस फ्लेम ओके okay, और ये इसका मॉडर्न वर्जन है बर्लिन गेम्स जो हुए थे 1936 में उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था अगर पूछा जाए कि मॉडर्न ओलंपिक्स का फादर कौन है डाडाज पेरे दे खुबर्टन ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट डाडाज फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स होस्ट कहाँ हुए थे तो ये हुए थे एथेंस में एटीन में एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो ठीक है फर्स्ट सिटी जिसने होस्ट किए मॉडर्न ओलंपिक तीन बार मतलब आज तक सबसे ज्यादा बार होस्ट किसने कर रखे हैं दैट इज लंडन ने लंडन ने किए हैं तीन बार 1908 में 1948 में और इसके साथ साथ 2012 में ये में ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है किसने किए हैं बस वो ज्यादा जरूरी है कौन सी ऐसी सिटी है जिसने समर और विंटर ओलंपिक दोनों के दोनों होस्ट किए हुए हैं कौन सी है बीजिंग है ठीक है और बीजिंग की तरह ही सो so 2028 में क्या होने वाला है 2028 में एक और सिटी बीजिंग की तरह बनेगी जो कि समर uh, और विंटर ओलंपिक्स दोनों होस्ट कर चुकी होगी दैट इज विच वन लॉस एंजल्स ठीक है लॉस एंजल्स जो है दैट इज गोइंग टू होस्ट 2028 के गेम्स ओके okay? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड वॉर की वजह से 1960, 1940 एंड 44 में ये जो गेम्स थे ये क्या हुए थे कैंसिल हुए थे ठीक है मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स योर हु इज द फर्स्ट ब्लैक जिसने लीड किया था ओलंपिक कंटेंजन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइनटीन के ओलंपिक्स में रेफो जॉनसन वजान जिन्होंने किया था उसके बाद सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो मेल है जिसके पास है वो कौन है सो द आंसर फॉर द सेम इज माइकल फिलिप्स ही इज एसोसिएटेड विद विच गेम स्विमिंग से एसोसिएटेड है राइट इनके पास टोटल जो मेडल्स हैं दैट इज 28 मेडल्स हैं इसमें से 23 गोल्ड मेडल्स हैं आपको ये याद रखना है 23 गोल्ड मेडल्स हैं फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं दैट इज लरीना लेटीना ठीक है इनके पास शी इज ऑल्सो जिमनास्ट फ्रॉम यूएसएसआर ठीक है और इसके इनके पास जो है टोटल कितने 18 मेडल्स uh, हैं और इन एटीन मेडल्स में से नाइन मेडल जो हैं वो गोल्ड हैं नाइन मेडल्स आर गोल्ड मेडल्स याद रखना है ठीक है उसके बाद बात आती है फर्स्ट टाइम वेमेन ने पार्टिसिपेट करना कब शुरू किया दैट वाज इन नाइनटीन हंड्रेड की वीमेन ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया ठीक है पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट इज डी पोर्टेल्स ठीक है ये जो है ये क्या है स्विट्जरलैंड से है एंड शी वॉज अ स्विस सेलर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉट ओनली दिस कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था फ्रॉम अ विनिंग टीम मतलब उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और ये फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन भी मानी जाती है ठीक है अब बात आती है इंडियंस जो इंडियंस ओलंपिक्स में रहे हैं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आजकल फर्स्ट मेडल जो है बॉक्सिंग में किसको मिला था सो so, जैसे विजेंद्र सिंह को मिला था फर्स्ट बैडमिंटन में किसको मिला था साइना नेहवाल को फर्स्ट टेनिस में किसे मिला था लेंडर पेस को फर्स्ट मेडल ही किसको मिला था रेसलिंग में मिला था ब्रॉन्ज मेडल ठीक है इनको ये पूछा जा सकता है फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला था ठीक है सो so, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रीसेंट वी ट्वेंटी वन में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके हैं बजरंग पूनिया जो है उन्हें रेसलिंग के लिए मिला है अभी सेम मैंने तुम्हें बताया था कॉमनवेल्थ के लिए इनमें से देखो कितने सारे कॉमन नेम्स हैं है ना मीराबाई चानू पी सिंधु ठीक है रवि कुमार दहिया वहां पर भी उन लोगों को मिला है ठीक है उसके बाद आता है इंडियन हॉकी हॉकी इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने 41 वन ईयर्स के बाद फाइनली एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है ठीक है हु हैड बीन द कैप्टन मनप्रीत सिंह हैड बीन द कैप्टन ठीक है गोल्ड मेडल इससे पहले हमें मिला था 41 वन ईयर्स पहले दैट इज 1980 में हमें जाके मतलब पहले गोल्ड मेडल मिला था और अब 41 वन ईयर्स के बाद हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके अलावा जो इंडियन uh, टीम है उसने पहले भी जीता है दैट इज इन नाइनटीन जो है दिस वॉज द टाइम जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में ठीक है इस टाइम पे टीम के कैप्टन कौन थे जल्दी से नीचे कमेंट करो हु वोज द कैप्टन ऑफ द टीम इन नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वो भी बहुत जरूरी है एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रही कमिंग टू द नेक्स्ट वन फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता ओलंपिक्स में मेंज के डी जादव जैसे मैंने आपको बताया ट्वेंटी एट में हॉकी का आया था बट दैट वॉज नॉट अ इंडिविजुअल मेडल ठीक है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको मिला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स में का नाम मलेश्वरी अभी अभी बताया था ठीक है उसके बाद इन्हें कौन सा मिला था ब्रॉन्ज मिला था ना देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला दैट इज अभिनव बिंद्रा कौन से ईयर में मिला है और कौन से चीज से एसोसिएटेड है अभिनव बिंद्रा मतलब कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है जल्दी बताओ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सिल्वर मेडल किसे मिला था फर्स्ट राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है उनको मिला था फर्स्ट सिल्वर मेडल फीमेल कैटेगरी में किसे पी सिंधु एंड शी इज ऑल्सो द वन जिन्हें दो मेडल मिल चुके हैं ठीक है, है? वुमेन वाली कैटेगरी में फर्स्ट जो था दैट वॉज सिल्वर और भी रिसेंटली इन्हें कौन सा मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है ठीक है ये रियो में जीता था इन्होंने ये इन्होंने टोक्यो में जीता ठीक है फर्स्ट वुमेन जो ट्विन मेडल जीत चुकी हैं अगेन पीवी सिंधु ही है ठीक है उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन जिम, जिमनास्ट जो कि अपियर हुए थे ओलंपिक गेम्स में ठीक है इन 1964 एंड फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने वॉल्ट ऑफ डेथ भी क्या किया है Uh, uh, मतलब अटेम्प्ट किया है तो दीपा कारमरकर वो है ठीक है उसके बाद आता है इंडिया जो है उसने फर्स्ट मेडल जो है हॉकी में कब जीता था अब ये भी तो बताया था 1928 में ओलंपिक गेम्स में जीता था ठीक है इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में सो so इसका आंसर क्या है लॉरल हबार्ड ठीक है ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है और कहाँ के हैं न्यूजीलैंड के हैं कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पैंटाथलॉन नाउ वॉट हैजपनडज कि ऑलरेडी ना मतलब एफ कैट ये दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ ठीक है सो देर आर टोटल दीज गेम्स ठीक है एक तो आपका है फेंसिंग उसके बाद है स्विमिंग उसके बाद है शो जम्पिंग ठीक है शो जम्पिंग एक है शूटिंग ठीक है और एक है रनिंग ये पूछ सकते हैं कि अच्छा कौन कौन से गेम्स एसोसिएटेड हैं ओके अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पैंटाथलन की मॉडर्न पैंटाथलन में ये वाले गेम्स हैं ठीक है थीके? ये जो शूटिंग और शो जंपिंग है ये दोनों गेम्स नहीं है उसमें रनिंग है तो तीन हो गए और इसके अलावा और क्या है हॉर्स राइडिंग है ठीक है हॉर्स राइडिंग है और पिस्टल शूटिंग है ठीक है सो ये दो गेम्स एडअप हो गए हैं तो ये टोटल दो, दो ये दो ये और एक ये ये हो जाएंगे मॉडर्न पैंटाथलन में ठीक है याद रखना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसी के साथ एक मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ अभी रिसेंटली ना एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है 2023 ये होस्ट की गई है कहाँ पे थाईलैंड में और इसका जो मैस्केट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए ज़रूरी हो जाता है मैस्केट क्या है आर वेरी ओन लॉर्ड हनुमान ठीक है दैट इज़ हिंदू माइथोलॉजी में जो लॉर्ड हैं दैट इज़ हनुमान जी वो क्या हैं

एफ्रो एशियन गेम्स जो है फर्स्ट टाइम 2003 में होस्ट हुआ था हैदराबाद में ठीक है और इसका ऑफिशियल मैस्कट था शेरू उसके बाद से ये होस्ट नहीं हुए तो ये जो फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ था ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है देर आर चांसेस दे रिपीट द क्वेश्चन ओके नेक्स्ट आते हैं हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको इसका सेकंड uh, जो एडिशन था उसमें इसका नाम uh, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पड़ा था उससे पहले इट वॉज नोन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ठीक है जिसका फर्स्ट एडिशन हुआ था दैट इज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का दैट वॉज इन डेली और इस टाइम पे हरियाणा जो था उसने टैली को टॉप किया था ठीक है इस बार की अगर हम बात करें तो इसका जो एडिशन है दैट इज फिफ्थ एडिशन और ये जो होस्ट होना था एज पर टू द लिस्ट आप देखोगे तो 2022 में होस्ट होना चाहिए था लेकिन 2022 में नहीं होके ये कब हुआ 2023 में होस्ट हुआ एंड विच लोकेशन इट वाज होस्टेड ये मध्य प्रदेश में होस्ट हुआ ठीक है भोपाल में मेजरली एंड uh, इसके अलावा एक जो इवेंट था दैट ऑल्सो टुक प्लेस इन डेली और वो जो इवेंट था दैट वॉज साइक्लिंग ओके बट अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ है दैट इज इन एम पी भोपाल याद रखना है ठीक है फिफ्थ एडिशन रहा है मैस्कट की अगर बात करें सो so मैस्ट क्या रहा है दैट इज आशा आशा क्या है दिस इज अ चीता ये इसका मैस्कट रहा है जो रिप्रेजेंट करे ओके उसके बाद अगर हम टाली की बात करें जो फर्स्ट आया है जिसने जीता है दैट इज महाराष्ट्र ठीक है सेकेंड जो आया है दैट इज हरियाणा और जो थर्ड रैंक रही है दैट इज ऑफ एमपी ओके उसके बाद दो न्यू स्पोर्ट्स जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं और इसके अलावा चार इंडिजिनस जो गेम्स हैं वो भी जैसे गटका कलारी पट्टू एंड थंगता और मलखंबा ओके टॉकिंग अबाउट टू न्यू स्पोर्ट्स इसमें क्या क्या ऐड हुआ है एक तो फेंसिंग ऐड हुआ है और वाटर स्पोर्ट्स जो है वो भी ऐड हुए हैं वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से कयाकिंग और कैनोइंग ओके ज नेशनल गेम्स अभी जो होस्ट होने वाले हैं दैट इज थर्टी सेवंथ नेशनल गेम ये होंगे होस्ट ठीक है सो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कौन से जगह पे होस्ट होने वाले हैं गोवा में होस्ट होने वाले हैं एंड इसका जो क्या कहते हैं मैस्कट है दैट इज मोगा मोगा क्या है इट इज एक्चुअली अके है मैस्कट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लोग नाउ बिफोर मूविंग अ हेड दट इज मैं आपको फीफा पढ़ाने वाली हूँ लेकिन आई जस्ट कंप्लीटली मिस्ड ऑन ओलंपिक इवेंट्स तो ट्वेंटी फोर जो है वो कहाँ होने वाला है ओलंपिक्स पैरिस में होने वाला है दिस विल बी द समर ओलंपिक्स ओके मिलान में होने वाला है समर दैट इज इन ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी एट में लॉस एंजल्स में समर ओलंपिक्स होगा ठीक है अब इट इज़ येट टू बी डिस्कलोज सो ट्वेंटी थर्टी का वाला डिस्क्लोज हो जाएगा ट्वेंटी थर्टी टू वाला जो है समर ओलंपिक्स अगैन ब्रिस्बेन में होगा ठीक है इसके अलावा नेशनल गेम जो है अभी मैंने आपके साथ जो भी डिस्कस किए नेशनल गेम फर्स्ट टाइम कब हुए थे फर्स्ट टाइम हुए थे 1924 में ठीक है मोटो क्या है इसका मोटो इज गेट सेट प्ले ठीक है याद रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लेट अस टॉक अबाउट फीफा देखो फीफा का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन यूरिक स्विट्जरलैंड और फीफा वर्ल्ड कप भी हर चार साल में एक बार होता है ठीक है फर्स्ट टाइम जो फीफा था दैट वॉज इन नाइनटीन और ये जो जीता था दैट वॉज बायरुग्वे ओके okay. सबसे ज्यादा बार आज तक कौन जीत चुका है सबसे ज्यादा दैट इज विच कंट्री ब्राजील ठीक है और यही एक ऐसी कंट्री है जिसने हर बार पार्टिसिपेट किया ही किया है एवरी टाइम अदरवाइज देर हैड बीन फ्यू कंट्रीज जो उन्होंने हर बार पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है सो so, पांच बार ये टीम जीत चुकी है आउट ऑफ टोटल 19 वर्ल्ड कप सो बिग बिग थिंग 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था कतर और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है गोल्डन ग्लव ठीक है गोल्डन बूट तो अभी हम सब डिस्कस करने वाले हैं आगे फीफा जो 26 है ये जो है होस्ट होगा बाय थ्री नेशंस टुगेदर तो यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा और मेक्सिको मिल इसको होस्ट करेंगे ठीक है द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द ट्रॉफी जो हमारी खुद की ट्रॉफी है सो so, इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करता है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका नाम क्या है संतोष ट्रॉफी और इंडिया की हम सबसे पुरानी ट्रॉफी की बात करें दैट इज़ दुरंत दुरंत कप आप लोगों ने सुना होगा राइट right? दुरंत कप इस बार किसने जीता है मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था जल्दी बताओ हु वन द दुरंत कप दिस टाइम ठीक है सो एटीन एटी जो है उसमें ये इंसेप्शन हुआ था वन ऑफ द ओल्डेस्ट वंस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जैसे मैंने आपको बताया 19 वर्ल्ड कप टोटल हो चुके हैं इन 19 वर्ल्ड कप में टोटल आज तक आठ टीम जीत चुकी है इसमें से ऑफकोर्स 19 वर्ल्ड कप में से पांच तो ब्राजील ही ले गया है ना उसके अलावा अर्जेंटीना ब्राजील फ्रांस जर्मनी इटली स्पेन इंग्लैंड और Uruguay, यही कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या जीता है वर्ल्ड कप आज तक जीता है ठीक है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बार जो मैच हुआ था 2022 में उसके बारे में कतर ने होस्ट किया था ट्रॉफी जो अनवेल की थी दैट वाज बाय दीपिका पदुकोन ठीक है ट्रॉफी अनवेल किसने की दीपिका पदुकोन ने की सो दिस इज इंपॉर्टेंट उसके बाद किसने जीता है अर्जेंटीना जो है उसने जीता इससे पहले वो 1978 और 1986 में जीत चुके हैं इसका थर्ड टाइटल रहा है और इस बार जो रनर अप रहे हैं दैट इज फ्रांस ठीक है France, तो अभी जो ये मैच जीता था यू इज नो पेनल्टी शूट आउट की वजह से जीता था है ना एंड टॉकिंग अबाउट द गोल्डन बूट गोल्डन बॉल एंड गोल्डन ग्लब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट ओके सो लियोनल मेसी इसमें जो है इनके बारे में आपको और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूंगी बिकॉज इनके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो टॉकिंग अबाउट हिम इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं द फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स टोटल फिफ्टी ठीक है उसके बाद सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मोस्ट पॉइंट्स इन सिंगल सीजन कितने सोच के देखो कितने होंगे टोटल हंड्रेड है ठीक है मैक्सिमम गोल्डन बूट जो है वो भी यही जीत चुके हैं ओके टॉप स्कोरर भी रहे हैं इन ऑल टूर्नामेंट जिन्हें गोल्डन बूट मिला है जल्दी तो से मुझे बताओ इन्हें कितनी बार मिला है सिक्स टाइम्स मिल चुका है ना गोल्डन बूट स्टार मार्क कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2022 वाला जो एक फीफा अंडर 17 uh, जो विमेन वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था इंडिया में हुआ था इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका जो मैस्कट था दैट वाज ईबा और जिस कंट्री ने जीता है विनर कौन रहा है विनर हैड बीन कोलंबिया uh, एंड जो रनर अप रहे हैं दैट इज ठीक है स्पेन जो है वो क्या रहे हैं रनर अप रहे हैं ठीक है रनर अप याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट coming to the next thing that is trophies trophies are very very important okay subrata mukherjee cup extremely important uske baad dr b c roy trophy very important duranto mein already kara chuki hu rover cup india ka hi hai again very very important ye pooch le jata hai grey cup jo hai ये किस किस के बीच में खेला जाता है so this is between US and Canada. कैनेडा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो यूफा चैंपियनशिप होती है दिस इज इन यूरोप ओके इंपॉर्टेंट है प्लीज टेक अड ऑफ ऑल दीज आते हैं टेनिस पे टेनिस की अगर हम बात करें मैक्सिम ग्रैंड स्लैम ये ना कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कभी नोवाक जोकोविक आगे कभी रफेल ना डाल ओके okay? सो so, अभी रिसेंटली नोवाक जोकोवक जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं दैट इज विद 23 थ्री ग्रैंड स्लैम टाइटल्स और जो रफेल ना हैं अभी बीच में टाई हो गया था बोथ वर हैविंग 22 अब रेफेल नडाल के पास ट्वेंटी टू है और ट्वेंटी जो है थर्ड नंबर पे ठीक है कमिंग टू द द नेक्स्ट वन वन दैट इज हु मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जब फीमेल कैटेगरी की बात आती है सो सरीना विलियम्स जो है उन्होंने सबसे ज्यादा किए हैं वेन इट कम्स टू फीमेल कैटेगरी उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एशियन जिन्होंने तीनों जो ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं वो जीते हैं सो द आंसर फॉर द सेम इज नाउमी ओ साका कहाँ की हैं ये शी इज फ्रम जपैन ओके बात करें फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता कौन है महेश भूपति ठीक है महेश भूपति टू विन द फर्स्ट इंडियन टू बी द जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता ओके नेक्स्ट जो आता है दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फेड कप जीता सानिया मिर्जा कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फर्स्ट एंड ओनली टेनिस प्लेयर जिन्होंने गोल्डन स्लैम जीता है इन नाइनटीन एटी एट सो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेफी गार्फ इन्होंने चारों के चारों ओपन टोर्नामेंट्स जीते थे फोर ओपन टोर्नामेंट्स इसी को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है गोल्डन स्लैम ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन बिली जीन किंग कप जो था उसका नाम अभी रिसेंटली चेंज करके फेड कप रखा गया

सबसे ज्यादा जरूरी है और जो चार ग्रैंड स्लैम है वो भी आपके साथ में डिस्कस करने वाली है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ दीज आर वॉट ओपन जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बिलडन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस टाइप का कोर्ट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर विनर कौन रहा है ठीक है ये जो है अभी भी ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला बिकॉज अभी तक ये वाले जो है होने हैं ठीक है दीज टूर्नामेंट्स आर टू तो बी हेल्थ नोवाक जोकोविक जो है ही हैड बीन विनर व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड अराइना जो है शी हैड बीन ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल विनर व्हेन इट कम्स टू विमेन कैटेगरी ओके टॉकिंग अबाउट मेन्स में फ्रेंच में आए हैं नोवाक जोकोविक और इगा इटिक जो है शी हैड बीन इन द विमेन कैटेगरी विम्बल्डन में कार्लोस जो है ही हैड बीन द विनर इन द मेन्स कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आते हैं अदर कप्स एंड ट्रॉफी सो राइडर कप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसको ध्यान देना देन वेलिंगटन कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉमस और उबर कप ये यार काफी बार पूछे गए हैं बैडमिंटन से एसोसिएटेड है प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट देन आता है हॉर्स रेसिंग के लिए दर् कप देन इजरा एंड वेट चेस्ट जो कप है दिस इज रिलेटेड टू फोलो ठीक है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट अगर तुम देखना शुरू करोगे ना यार इतने कप्स एंड ट्रॉफीज हैं मैं ट्राई करके बहुत इंपॉर्टेंट वाले द वस एट हैव बीन रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन वही एड कर रही हूँ ओके okay?

पाकिस्तान जो था इस एडिशन को जीता था और आज तक सबसे ज्यादा जो जीता है दैट टू इज इज पाकिस्तान ओके हु रिगार्डेड एज बेस्ट प्लेयर जब अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात आती है हु इज द बेस्ट प्लेयर ही इज नन अदर देन ध्यानचंद यू नो विजर्ड ऑफ हॉकी देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन की इंडिया ने कब पार्ट लिया फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में भी ओलंपिक्स की बात है ठीक है यहां ध्यान देना इट्स जस्ट ओलंपिक्स नॉट हॉकी वर्ल्ड कप सो ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम 1928 में पार्ट लिया और इसी टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता ठीक है आज तक टोटल इंडिया एट टाइम्स गोल्ड मेडल जीत चुका है में बात करें सो हु द कैप्टन ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज जयपाल सिंह मुंडा ठीक है ही वॉज द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम ओके कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अम वापस से वर्ल्ड कप पे आगे ध्यान देना पाकिस्तान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है वेन इट कम्स टू हॉकी वर्ल्ड कप चार बार जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स भी काफी पीछे नहीं है दोनों के दोनों तीन तीन बार टाइटल जीत चुके हैं इंडिया जो है उसने जब वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था दैट वाज इन 1975 और किसको हराया था पाकिस्तान को हराया था टू वन से इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो फाइनल गोल जो स्कोर किया था दैट वाज बाय अशोक कुमार ही इज एक्चुअली द सन ऑफ आर वेरी ओन विजर्ड ध्यानचंद ओके हॉकी वर्ल्ड कप जो है इंडिया में इस बार होस्ट हो रहा है 23 में ओके उड़ीसा गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली गेयर्ड अप दे आर ऑल फुल ऑफ जोश टू होस्ट दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस इवेंट टू द व्हेन इट कम्स टू द यू नो टाइम्स कौन से टाइम में फोर्थ टाइम इससे पहले की अगर बात करें सो so नाइनटीन मुंबई में होस्ट किए गए थे टू में न्यू डेली में और टू में भुवनेश्वर में ठीक है अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं 23 वाला जो हॉकी वर्ल्ड कप कलिंगा स्टेडियम में होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा ठीक है विनर्स की बात करें सो so इस बार जो विनर रहा है दैट इज जर्मनी उसका थर्ड टाइटल रहा है एंड अप कौन रहा है बेल्जियम ओके बेस्ट प्लेयर की बात करें निकलेस वेलन रहे हैं और इंडिया और अर्जेंटीना की बात करें तो वी हैव स्टूड एट द नाइन्थ पोजिशन ठीक है प्लीज टेक एन नोड ऑफ इट मूविंग ऑन टू द ट्रॉफी दैट आर रिलेटेड टू हॉकी एंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज ध्यान चंद ट्रॉफी आगा खान कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेहरू ट्रॉफी भी बहुत ज्यादा जरूरी है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड यदविंद्र कप ये सबसे इंपॉर्टेंट है अदरवाइज मैंने कुछ और भी ऐड किए हुए हैं अगर देखोगे जाके इससे बहुत ज्यादा ट्रॉफीज हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स

रामनाथन कृष्णन ठीक है दैट इज इन 1954 उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था ही वॉन्ट मिक्स डबल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन 97 में दैट इज महेश भूपति आई ऑलरेडी डिस्कस इट विद यू राइट नाउ राइट उसके बाद आते हैं आरती साहा शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एज वेल एज एशियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था नाइनटीन में ओके इफ आई टॉक अबाउट द मेल कैटेगरी ये तो फीमेल है मेल कैटेगरी में कौन है जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट वुमेन जिन्होंने स्विम किए थे सेवन सीज दैट इज भूला चौधरी ओके देन फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन एशियन गेम्स दैट इज कमलजीत सिंधु इसी के साथ जो एशियन गेम्स 2026 हैं ये कहां होस्ट होने वाले हैं पता है आप लोगों को नगोया जापान में होस्ट होंगे ठीक है इस बार जो नेशनल गेम होने वाला है उसके अंदर दैट इज इन गोवा राइट अभी जो होने वाला है होस्ट 23 में उसमें एक गेम इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है गटका राइट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल दैट वॉज अभिनव राइट अभिनव इंद्र नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन सेकेंड गोल्ड मेडल इंडिविजुअल जो आया है इंडिया में वो किसका है ट्वेंटी ट्वेंटी में किसने जीता है नीरज चोपड़ा इनके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट वन पार्ट टू प्लीज चेक कर लेना इन्होंने कितना लंबा जो थ्रो था दैट वाज देयर जावलिन थ्रो में है ना राइट ही इज देयर इन जावलिन थ्रो सो so, इट इज सेवन पॉइंट मीटर का थ्रो था ओके एंड ही गॉट द गोल्ड मेडल ट जिन्हें मेडल मिला है इन एनी ऑफ द वर्ल्ड इवेंट दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज ओके उसके बाद आते हैं विल्सन जॉन्स ये फर्स्ट इंडियन है जो की बने हैं वर्ल्ड चैंपियन वेन इट कम्स टू बिलियर्ड्स विश्वनाथन आनंद जो है ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रिलेटेड टू वॉट चेस देन फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट ऑफ विस्डन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वीरेंद्र सहवाग ओके उसके बाद आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑलरेडी मैं अवार्ड्स में पढ़ा चुकी हूं करना मलेश्वरी फिर फर्स्ट इंडियन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप में जाके जीती एंड नॉट ओनली दिस शी इज ऑल्सो बीन रैंक वर्ल्ड नंबर वन साइना नेहवाल उसके बाद ग्रैंड मास्टर टाइटल वेन इट कम्स टू विमेन कोनरू हम्पी ओके ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था राइट सो मिहिर सेन जो है ही इज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल

सो दिस विल बी ए फिफ्टी क्वेश्चन जी के पूरी कंप्लीट आपकी उसमें मैं क्रिकेट के बारे में और इन डेप्थ एक दो क्वेश्चन कराऊंगी अभी मैं आपको बेसिक्स कंप्लीट करा देती हूँ ठीक है सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मैक ऑफ क्रिकेट कौन सा है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को बोलते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो कहाँ खेला गया था किसके बीच में खेला गया था दैट वॉज इन एटीन सेवन एंड वॉज प्लेड इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ये जो मैच था दिस वॉज वन बाय ऑस्ट्रेलिया ठीक है मैच वन किसने किया था ऑस्ट्रेलिया और ये जो मैच है इसको एशेज कप के नाम से जाना जाता है दैट इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ओके फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें दिस वॉज प्लेड इन नाइनटीन सेवेंटी वन बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया अगैन देखो ध्यान से अगैन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज देर एंड दिस वॉज प्लेड अगैन इन मेलबोर्न एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट टेस्ट मैच ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन सेम जो वन डे क्रिकेट मैच होता था वो एक वर्ल्ड कप की फॉर्मेट में कब खेला गया था फर्स्ट टाइम दैट इन 1975 इट वाज प्लेड इन लंडन और इस मैच को कौन जीता था वेस्ट इंडीज वाज द विनर टॉकिंग द टेस्ट मैच जो वर्ल्ड कप फॉर्मेट में आया था दैट वॉज फर्स्ट टाइम इन टू थाउजेंड टॉकिंग अबाउट दिस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट इसका जो इनग्रल एडिशन रहा है ओके एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑगस्ट टू और ये एग्जैक्टली जैसे एशोज होता है इन सेम फॉर्म इट इसका जो फाइनल मैच होगा दैट विल बी इन द लॉर्ड्स इट 2022 में इंडिया जो है आज तक टू टाइम्स वर्ल्ड कप जीत चुका है दैट इज 1983 अगेंस्ट विच वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टीम वाज वेस्ट इंडीज एंड द कैप्टन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज कपिल देव ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड इलेवन ये वाला जो मैच था दिस वॉज अगेंस्ट श्रीलंका एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द कैप्टन वॉज एम एस धोनी ओके नॉट ऑकली मॉट द फर्स्ट सेंचुरी T20 में क्रिस गेल ने अगेंस्ट uh, खेल रहे थे क्रिस गेल जो वेस्ट से है वेस्ट इंडीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे सबसे ज्यादा सेंचुरी वर्ल्ड कप में आज तक किसने मारी है रोहित शर्मा ने ठीक है बाउंसर्स एक ओवर में कितनी अलाउड होती है वेन इट कम्स टू वन डे टेस्ट सीरीज ठीक है सो so, दो अलाउड होती है ठीक है उसके बाद आता है नंबर ऑफ बाउंसर्स जो अलाउड होती है एक ओवर में जब आती है बात टी ट्वेंटी की सो वन इज अलाउड यह ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट दिसन उसके बाद फर्स्ट क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था बिटवीन यूएस एंड कैनेडा न्यूयॉर्क में खेला गया था एटीन फोर्टी फोर में फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में नाइनटीन सेवेंटी फाइव में खेला गया था वेस्ट इंडीज वॉज दोन फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी आज तक किसने बनाई है मैक कलम जो है दैट एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड और कमिंग टू द फास्टेस्ट वन इंटरनेशनल सेंचुरी सेम इज ए बी डे वालारिस इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि नाइनटीन सेवेंटी थ्री जो है इसमें फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड ठीक है फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड एंड दिस वॉज इन इंग्लैंड इट सेल्फ फर्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है दिस वॉज प्लेड इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है दैट वॉज इन विच ईयर टू थाउजेंड एंड सेवन मैचेस पहले भी खेले गए बट वर्ल्ड कप जो था दैट वाज फर्स्ट टाइम इन 2007 अगर फर्स्ट वुमेन मैच की बात करूं दैट वाज इन 2004 एंड मेन मैच की बात करूं दैट वाज इन 2005 ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा इसमें कौन जीता था जल्दी से जस्ट कमेंडेड डाउन बिलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम टेस्ट टीम की बात हो रही है टेक अफ इट इट इज सी के नायडू ओके That is, Colonel C.K. Naidu also, inko ek, uh, you know, he was given uh, this name. Like, MS Dhoni was also considered. In the same way, he was given Colonel C.K. Naidu as a name. Later on, because of his achievements. They on ODI team team, the captain team. First, that is Ajit Vadikar. And moving on to the next important thing, that is, T20, mein, who had been the first captain. So, Virendra Sehwag. Okay. These all things are very, very important, अब हम जल्दी से कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन बीमर वॉट इज बीमर जब भी कभी फास्ट बॉलर ऐसे बॉल डालता है एंड विदाउट बाउंस ऐसे नीचे ग्राउंड पे टच करे बिना अगर ये ऐसे जानी चाहिए ना एक्चुअली तो विदाउट बाउंसिंग अगर ये चीज ना हो अगर जाए तो उस बॉल को क्या बोलते हैं बीमर बोलते हैं बेल्स क्या होते हैं आप लोगों ने देखे हैं स्टम्प्स स्टम्प्स के ऊपर बीच में यहां पर रखे होते हैं ये दोनों गिरने चाहिए सो एज टू मेक श्योर दैट इज अ बैट्समैन हु बोल्ड आउट हो दिस इज नोन एज बेल्स डोली क्या होती है डोली इज वेन द कैच हैज बीन वेरी वेरी इजी बाय द फील्डर सो दैट इज डोली ओके एज क्या होता है इज अ बैट ओके एंड बैटम बैट्समैन जो है वो खेल रहे हैं एंड इट द बॉल टच इज वेरी स्लाइटली ऑन द बैट एंड

अगर टू अंदर अलाउड होंगे तो ये बेनिफिट किसका होगा बैटिंग साइड का ओके एट द सेम पॉइंट विद इन दिस सर्कल तो ये होगा बेनिफिट ऑफ बॉलिंग आई वॉज दैट और समथिंग लाइक दैट तो वो एम्पायर को जाके बोल बिकॉज ही फील्स दैट ही गॉट द बैट्समैन सो दिस इज नोन एज अपील वॉट इज एल बी डब्ल्यू दैट इज लेग बिफोर विकेट ओके एल बी डब्ल्यू होता है सो so, तो अगर कभी भी ट्राई करते हैं अपने स्टंप्स यूज करके जो भी बैट्समैन है अपने आपको आउट होने से बचाने का दैट इज नोन एज एल बी डब्ल्यू ओके उसके बाद होता है बाई सो वॉट इज़ अ बाय सो एज यू गाइज नो कि अगर बॉल डिलीवर की गई एंड इट वॉज यू नो नॉट बींग नो बॉल या फिर वाइट बॉल नहीं थी एंड डायरेक्टली स्ट्राइकर को पास होती है विदाउट टचिंग द बैट सो इस कंडीशन में अगर वो बाउंड्री भी चली जाएगी इट इज़ कंसिडर एज फोर या फिर अगर वो उस टाइम पे रन ले लेते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर दीज आर नोन एज बाईज ओके देन डकवर्थ मेथड इट इज एक्चुअली टू कैलकुलेट द स्कोर ऑफ़ द टीम देन गली वॉट इज गली इट्स अ फील्डिंग पोजिशन बेसिकली बस इतना याद रखना है गोल्डन डक क्या है जब भी कभी फर्स्ट बॉल पे बैट्समैन आउट हो जाता है दैट इज नोन एज गोल्डन डक एंड रफ क्या होता है आपने देखा होगा पिच में ना देर इज अ पार्ट जहां पर ग्रास नहीं होती है सो दैट पोर्शन इज नोन एज रफ so with this i end this particular part of the sports please make sure that you follow Ek toh 100 current affairs cake video like these, the, these two videos are going to be my last videos now and 50 questions mein Puri gk jo complete karenge, so these two videos you have to cover very very nicely and that is all for today make sure that you study everything very nicely and i will see your name in the list i'm pretty sure about it all the best keep working smart